गाइस तो वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम जा रहे हैं दिवाली की ओकेजन में। आज छोटी दिवाली है और अभी बज रहे हैं रात के 9:30। ये रिवंशी का, ये मैमी मीजी, हेलो, इधर पापा जी। बोलने की हालत नहीं है मेरी, यहाँ पापा जी ड्राइविंग कर रहे थे अभी पापा। तो आज हम जा रहे हैं दिवाली के ओकेजन में दादी के पास। दादी को लेने भी जाएंगे और वहाँ पर दिवाली करेंगे, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया हमने गांव में दिवाली सेलिब्रेट नहीं करी है, इसलिए आज इस बार हम गांव में करेंगे। सो प्रीटी एक्साइटेड है उस चीज़ के लिए है। हमारा सारा सामान बना है, हम गाड़ी में आ गए हैं, इसलिए हम गाड़ी को स्टार्ट करिए एकदम। तो अभी हम मार्केट में रात के 9:30 हो रहे हैं, बट मार्केट अभी भी बहुत लाइवली टाइप है, मतलब सारी शॉप्स ओपन है अभी। तो चलते हैं गाइस, बीच पे दिखाते रहेंगे, मिलते रहेंगे। हेलो दोस्तों, तो एक बार फिर से अपने देवभूमि उत्तराखंड में आ गए हैं अपने गांव। तो सुबह के बज रहे हैं 5 और हम अपना सामान निकाल रहे हैं गाड़ी से, ये करके ऊपर अपने घर पे रख रहे हैं। और सुबह इतनी ठंड हो रही है यहाँ पे, ज़बरदस्त ठंड हो रही है। 5 बज रहे हैं करीब और सनराइज़ भी धीरे धीरे होने लगा है। और देखो आप, खूबसूरत नज़ारा सनराइज़ का, हल्की सा उजाला है और छोटी छोटी सी धीमी धीमी सी लाइटें दिख रही हैं। तो ये है सुबह का 5 बजे का नज़ारा, खूबसूरत नज़ारा दृश्य। तो देखो गांव में कितना अच्छा लग रहा है, एकदम बिल्कुल साफ क्लाइमेट है। और दिल्ली में बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन हो रहा है। ठंड लग गई, ठंड। सुबह के 5 बज रहे हैं। तो गुड मॉर्निंग, सुबह हो गई है, बज रहे हैं सुबह के 9:30। मम्मा कर रही है यहाँ पे काम, दादी ना अब खींच रही हैं जो भी हो। दादी का मुंह माइंड मत करना। वंशी का सो रही है इधर अभी, उसको थोड़ा फीवर वीवर है तो बेचारी सो रही है। अब वो भी आ रही है, लाइटर ठीक है? ये ला ये ला। यहाँ गाइस हो रहा है पानी गर्म, नहाने वाने का पापा नहाने जा रहे हैं, इसलिए यहाँ पे हमारा पानी गर्म हो रहा है। ओ देखो, हाँ मेरे जो देखो गाइस होती है जिंदगी में आज लम्हे खास आ गए, आते आते तो गाइस नाश्ते में बना है गात, जिसको गुलथी के दांत बोलते हैं, उसकी कचौरी। तो इसका आनंद लेते हैं, फिर मिलते हैं आपको। तो गाइस अभी दिन हो रहे हैं, मम्मी ऊपर खा रही है, देखो मैकेनिक बनी हूँ मैं आज, लड़ियाँ लगा रही हैं। लड़ियाँ लगा रहे हो आप भी, सही है, सही लगाओ। हेलो गाइस, आज चल रहा है होम डेकोरेशन चल रहा है। हेल्पर ये है वैभव जी, वैभव जी, और मैं लगा रही हूँ लड़ी। ये देखो मेरा गांव देवभूमि उत्तराखंड। तो भाई सास जी शाम का प्रबंध हो रहा है, नादी की तैयारी चल रही है। अभी लगा रही हूँ मैं इसको, खाएंगे ठीक है। काफी अच्छी धूप है, अच्छी लग रही है धूप, यहाँ पे ठंडा है ना इसीलिए। ये बिल्ली बहुत देर से हमारे पास आने में लगी हुई है, भगा देते फिर भी आ जाती है। दादी भी उन्हें बर्तन धो रही हैं, मजे कर रही हैं। ऐसे देखो बीमार पड़ रहे हैं आप जी, कैसा लग रहा है आपको, बोलना चाहेंगी कुछ?
कुछ बोलना चाहेंगी? तो गाइस ये देखो मीठे करेले, इसकी सब्जी बहुत टेस्टी होती है और मेरे को बहुत पसंद है, मीठे करेला बोलते हैं इसको। और ये देखो यहाँ पर रखी हुई है माल्टी, कितने मस्त लग रहे हैं ना माल्टी, ये मेरे को बहुत ही पसंद है, बहुत ही ज़्यादा। और ये देखो यहाँ पे खीरा, पका हुआ खीरा, ककड़ी बोलते हैं इसको, ककड़ी। और यहाँ पे छुपाया हुआ देखो ये कद्दू, ये छुपाया हुआ इसको पम्पकिन को। और ये मीठे करेले, इसकी सब्जी बनाऊंगी मैं शाम को, मेरे को बहुत अच्छी लगती है इसकी। तो गाइस शाम की तैयारी करनी है अभी, अभी तो हम अंदर बैठे हैं, थक गए थे रात में, सफ़र किया था बहुत थक गए थे, तो शाम को दिवाली है तो शाम की तैयारी करनी है, दाल वगैरह पकौड़े वगैरह बनाने हैं, काली दाल के पकौड़े बनाने हैं और आलू की कचौरी मीन्स छोले बनाने हैं, कचौरी बनानी है आलू की। तो अभी बहुत सारे काम हैं वो करने हैं, तो अभी थोड़ी देर में लंच करते हैं, फिर मिलते हैं आपको उसके बाद। छाने कबाड़ इसको काला काला छान रहे ना इसमें से, काला काला छान रहे, काला काला छान के इसको भूनना पड़ता है चार पांच पानी से। मूंग की दाल, काली दाल हुई, काली दाल सॉरी, यहाँ पे रख दिए कुछ छान के। और इस पर क्या आई ये पर, अच्छा दले चने, दले चने भी डालने पड़ते हैं इसमें। टेस्टी टेस्टी पकोड़े, दाल के पकोड़े। छान छन्ना होता है, चना से छाना होता है उसको, सारे निकल गए फिर खाओ खाओ। यार रात भी गए थे, कल रात की बिगाड़ की नहीं, निकला साफ तभी निकला, मैंने कहा साफ साफ निकल गया ना एकदम बिल्कुल। तो ये देख पीसना पड़ेगा इसको, तो पीसना पड़ेगा इसको, कहाँ है इस पे भी, वो तो ये साफ। अब तो इतना थोड़ा बहुत रहना चाहिए ना, तब थोड़ा सही भी लगता है पकौड़े दिखने में, दिखने में सही लगता है। चलो इसकी सफाई हो रही है, देखो कितना काला काला है इसमें, सफाई हो रही है अच्छे से, फिर बनेंगे पकौड़े टेस्टी टेस्टी। तैयारी चल रही दिवाली की। गुड आफ्टरनून गाइस, तो अभी हम मम्मी आप पीस रही हैं, ये क्या है मम्मी जी, ये है काली दाल, काली दाल के पकौड़े बनते हैं ना आज के दिन दिवाली में हमारे यहाँ गढ़वाल क्षेत्र में पहाड़ी इलाकों में, तो ये बनते हैं, वैसे मुझे नहीं पीसना, कोशिश करते हैं। बहुत हार्ड होती है इसको पीसना, इस प्रकार से ये चलोटा करते हैं इसको, ऐसे करके ऐसे दबाते हैं इसको। और ये भी देखो, ये चने की दाली भी पीसनी है इसमें, तब जाके थोड़ा टेस्टी लगेगा। तो ये हमारा सिलबट्टा है, पहाड़ में ऐसे सिलबट्टे मिलते हैं, देखो पत्थर से, बहुत हार्ड हो रही है यार ये दाल पीसने में। हमारी रीति रिवाज ऐसे चलते हैं पहाड़ी क्षेत्र में, शहर में तो पता नहीं क्या डालते हैं, मिठाइयाँ वगैरह आलू की पकौड़ी बनाते हैं, हमारे ये दाल के पकौड़े बनाते हैं, काली दाल की पकौड़ी और गात के दाल के सौले, इसको कचौरी बोलते हैं, ये बनाते हैं पीसते हैं इसको। कैसे पीस रहे हो आज आप इसको, मैं तो पीसा पीसा ही जा रहा है, ये पीस रहा है, अरे यार बहुत हार्ड हो रहा है ये, बाबरे बनाने के लिए बना दूंगी मैं, पीसो आप, माजी से ही पीसती है। तो इस तरीके से पीसते देखो सिलबट्टा, मेरे को आ ही नहीं रहा था चलाना, देखो जल्दी पीसा है मैंने, मेरे को तो आ ही नहीं रहा था, इसका भी एक तरीका होता है चलाने का, दबा के चलाते ना इसको सिलबट्टे को, बोलो मादी दबा के चलाते ना इसको, जोर लगाना पड़ता है, जोर लगाना पड़ता है ना इसमें, इसलिए तभी बीच बीच में डॉट डॉट मार रखे हैं इसमें ताकि पीसे हो पत्थर पे, अभी वो भी पीसना है।
तो कुछ इस प्रकार से पीसा जाता है। तो गाइस माँ जी कह रहे कर रहे मंत्र को फ्लो, माँ जी को भी पता है कि फॉलो करना पड़ता है। फ्लो करने क्या बोलते रहते हैं भाई, आजकल तो सब जगह पता है, इंस्टा फेसबुक। तो देखो पुरानी जनरेशन को भी पता है कि फ्लो करना पड़ता है, फ्लो। गुड गुड। अभी हो रही है भैले की तैयारी, तो यहाँ पे लकड़ी को फाड़ रहे हैं। ये देखो यहाँ पे जो कुल्हाड़ी है, माँ जी कुल्हाड़ी से लकड़ी को फाड़ रही है, इसको बारीक बारीक कर रही है ताकि इसे अच्छे से भैला बन जाए। भैला मीन्स हमारे यहाँ गढ़वाल क्षेत्र में भैले को बनाते हैं दिवाली के दिन, जो वो पटाखे का काम करती है गाँव में, क्योंकि पहले तो पटाखे होते नहीं थे, तो इसी प्रकार से भैले से ही दिवाली मनाते थे। तो गाइस भैले की तैयारी होने लग गई है, ये देखो लकड़ी फाड़ रहे हैं। सही से फाड़ो, सही से उछलेगा वो। बारीक करो उनको, बिल्कुल बारीक, इसको बिल्कुल बारीक करो तभी होगा सही। फिर क्या है? अच्छा क्यों नहीं जलाते, जल जाते हैं। तो इस प्रकार से भैले के लिए लकड़ी तैयार हो रही है, और ये लकड़ी बना रहे हैं, भैले को तैयार कर रहे हैं। पहले खेलते थे, खेला तो नहीं है, डर लगती है मेरे को भैले से। देखते हैं इस बार, ट्राई करते हैं भैला कैसे खेला जाता है। भैला मास्टर बनाने वाले मास्टर, ये हमने स्पेशल बुलवाए हैं, दिल्ली से बुलवाए हैं इनको भैला बनाने के लिए। तो कुछ इस प्रकार से लकड़ियाँ इकट्ठी करी, फिर इसको अभी तैयार करते हैं। और वो उसकी रस्सी है, देखो रस्सी जो है, इसे इसको लकड़ी को, इस लकड़ी को इससे बांधेंगे, जो है ये इससे बांधेंगे इसको। तो इस प्रकार इसको सफाई करते हैं पहले इसकी, फिर इसको बनाते हैं रस्सी। उसको अभी उसको करना पड़ेगा, मम्मी माँ जी बोल तो रही हैं, उसको थोड़ा सा आग में सीखना पड़ेगा, फिर जाके पक्का हो जाएगा वो। सफाई कर दो उसकी अच्छे से, फिर ये सारी इस रस्सी से इसमें बांधा जाएगा ये सारी लकड़ियाँ। तो जब ये बन जाएगा फिर बताती हूँ मैं आपको। मैंने कहा बताओ यार, माँ जी को पता फॉलो करना पड़ता है। अब बन गया तू, यही नहीं मान मेरा। अरे तो बड़े तो याने थोड़ा पॉइंट कुछ जाना, पूजा करने बड़ी बे, पूजा करनी पड़ती पहले की, बढ़िया है फिर तो। इस प्रकार से इसकी रस्सी बनाई जाती है। तो ये है जो कद्दू की बेल या लौकी की बेल होती है ना, वो है ये। यहाँ चल लड़ियों का काम नहीं, यहाँ चल लड़ियों का काम, पापा कनेक्ट कर रहे सारी लड़ियाँ यहाँ पे, और यहाँ पे नहीं दिख रहा, आप नहीं दिख रहे, चिंता मत करो। माँ जी का सही बनाया हुआ, यहाँ फेल हो गए दो। ये देखो इनकी बस की कुछ नहीं है, इनको बातें आती है बनाने। इस तरीके से बनता है भैला, ये देखो जैसे ये बना रहे हैं यहाँ पे, ये अच्छा भी लग रहा है ये। हाँ इसमें आग एकदम सही लगेगी, उसमें नहीं लगेगी क्योंकि पटपट है वो। तुम फेल हो गए भाई, तुम रहने दो, माजी वाला चलेगा, उसमें भी अच्छा भी लग रहा हो माजी वाला। नहीं अच्छा लग रहा हो, अच्छा ऐसी बनता है भैला। आज बल्कि माँ जी ने तुरंत बना दिया, यहाँ एक घंटे से लगे हैं ये महाराज। हाँ वो देखो दोनों बहन भाई फेल, फ्लॉप 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 हो गए दोनों। भग गए प्रचार प्रसार।
मिक्स मसाला है इसमें सारा, नमक तो डाला, नमक बाद में डालेंगे इसको, इसको अच्छे से मिक्स करते हैं। हेलो से कुछ इसमें थोड़ा सा तेल डालेंगे जिससे ये पकौड़े अच्छे से फूलेंगे और मुलायम बनेंगे। उसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं। मंदी है लत्ती दाल के पकौड़े, तो ये बटर तैयार है इसका। नमक नाते से मैं डालेंगे इसमें बस, तो फाइनल हो गया ये। काली दाल की, तो इसको देखो इस तरफ से करते हैं, थोड़ा हाथ को गीला करा, फिर इसको ऐसे घुमाया, इसको ऐसे डाला, इसको चारों तरफ से ऐसे घुमाया पानी से, ऐसे करके अगर सेब बिगड़ गए तो इसको ऐसे करो, पानी से घुमाया ऐसे। और ये बनाया गोल, और फिर ये बनाया ऐसे। तिल लगाने होते पर तिल है नहीं, तो मैं हमारे यहाँ इसको जख्या बोलते हैं, ये जीरे का काम करता है, इसमें तेल लगाना था। और इस प्रकार से पकौड़ियाँ बनती है, देखो यहाँ पे इस प्रकार से देखो कुछ बन के तैयार है, कुछ बन रही है। तो इस प्रकार से पकौड़ियाँ बनती है हमारे यहाँ दिवाली के दिन। इसको ऐसे करा और ऐसे डाला, अच्छा ये देखो अच्छी लगेगी ना। आप खाओगे नहीं खाओगे क्यों? मार्केट तो यहाँ पे है ही नहीं, एक दुकान है, एक दुकान में गए थे वहाँ पे थोड़े पटाखे लेके आए, दो गिने चुने वहाँ बच्चे हुए थे उठा के लेके आए बस। हाँ दिल्ली से हम लाने वाले थे बट वहाँ पे ऐसे यू नो बैन हो रही है, तो फिर इलीगल। बाकी चंबा में हम सुबह पहुंचे तो वहाँ पे भी नहीं हो पाया। गया यहाँ पे बन रहे हैं हमारे सामान, लड़ी चला दो लड़ी।